अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और देखिए आज जुम्मा है, आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। मॉर्निंग भी हो चुकी है, मॉर्निंग के 7:45 हो रहे। अब्दुल मलिक कुछ छोड़ना है मेरे को, बारिश से लगातार हो रही है। देखिए माशाल्लाह बारिश तो बहुत है, मगर अब या जाऊँ छोड़नी नहीं है, या अमरे ले लेके जाऊँ उसको छोड़ने के लिए, या नहीं तो कैंसिल करा दूँ। आज एक दिन सैटरडे संडे उसको छुट्टी नहीं थी, दो दिन उसको छुट्टी मिल जाती थी, इसलिए चलिए कैसा भी करके मैं लेके जाऊँ सोच रही हूँ। 5 मिनट सोच रही हूँ, इसके बाद बारिश कम नहीं हुई तो देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, हम छाता लेके अब निकल रहे हैं, मलिक पकड़े हुए हैं। चलिए इससे भी मज़ा आ रहा है सजाने में भी। देखिए बारिश कैसी हो रही है, और खोलना है फिर बिस्मिल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब ब्रेकफास्ट बनाना है मेरे हस्बैंड को, तो आज है वीक ऑफ, आज तो छुट्टी है उनको, इसलिए थोड़ा लेट ही बनाऊंगी। थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँगी, सो जाऊंगी। ओके फिर यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है हमारे पास। फ्रेंड्स मेरे छोटू ने बात कर रहे हैं अम्मी से, देखिए। फ्रेंड्स हमारे पास बन गई है खिचड़ी। फिर यहाँ पे हरा मसाले के जो है ना कलीजी है, ये भी बन गया है। ये जो रात का जो है ना ये कबाब प्याज, ये भी है। ये है अब खट्टा, इसको तड़का देना है। इसको खुतबा चल रहा, अब हम यहाँ पे तड़का देने के लिए खड़े रखिए। फिर थोड़े से हम मुरकुल तल लेते। मुरकुल बोले तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जो चावल की जो बनी हुई थी ना वाइट, आप लोगों को मैं अब बताऊंगी कौन से मुरकुल, इसको बोलते हैं मुरकुल। बढ़िया चावल की मैं बना रही थी ना, आप लोगों को रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ मैं। ओके अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। हम कली जी डालो खाली, हाँ कली जी नब्बो नब्बो एक डालो नहीं, और क्या ना खट्टा डालना, हाँ यूं यूं करके डाल बस बस। और ये डालना रात का जो नको नको, चलो पापड़ वे चलो चलो ले लो। आ जाइए हम लोग ब्रेकफास्ट वालों, 1:05 को हम ये कर रहे मई ब्रेकफास्ट कर रहे। देखिए ये है खिचड़ी, ये खट्टा है ये हमारे पास। यहाँ पे है हरे मसाले की कलीजी, ये है कबाब प्याज है। ओके यहाँ पे ये भी है देखो पापड़ वगैरह, ये लड़ले और जो है ना ये मुरकुल वो भी है। हम लोग सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं, आ जाइए आप लोग अभी। ओके फिर नाश्ता करके आप मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए अभी भी बारिश हो रही है, खुतबा चल रहा, अभी भी तो नमाज को जाना है। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है हमारे पास। देखिए टाइम हो रहा 7:30, रात हो चुकी है। चलिए हम चलेंगे किचन में, आज मेरे हस्बैंड को खाना दिल बोल रहा कहते हैं। देखिए ये सेवियां हैं माशाल्लाह। अब ये सेवियां का थोड़ा सा हम वैरायटी आज एक डिश बनाएंगे, अच्छी सी रेसिपी आप लोगों को शेयर करेंगे। खेमे में सेवियां बनाएंगे। ओके चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं सेवियां। यहाँ पे हैं ये है कीमा 1/4 किलो, मैं मशीन से मैं अभी पीस ली जस्ट 5 मिनट्स पहले। तो आज हम बनाएंगे हैदराबाद स्टाइल में कीमा सेवैयाँ। नमकीन बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होता है। अब थोड़े से इंग्रेडिएंट्स भी आप लोगों को बता दूंगी। ओके एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, रफली चॉप कर चुकी हूँ मैं। ऑनियन है
एक मीडियम साइज की रफली चॉप कर ली मैं। टू ग्रीन चिली है छोटे छोटे से, देखो ये देखिए मैं इसको चॉप कर ली मैं। यहाँ पे है हरा धनिया थोड़ा सा, ओके। अब हम चलेंगे यहाँ पे, अब इस चूल्हा ऑन कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके। अब हम ऑयल ऐड करेंगे, अपने अपने हिसाब से ऑयल हम ऐड कर सकते हैं। जैसा ऑयल फजलों का क्या है, कम खाते हैं बस ज़्यादा खाते हैं, तो जैसा आप लोगों चाहे ऑयल हों दो या फिर हों दो मसाला हों दो, नहीं तो मिर्ची हों दो रेड चिल्ली हों दो, अपने अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ओके। फिर अब स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब हम ऑयल ऐड कर लेंगे, 3 टेबल स्पून ऑयल हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। ऑयल को हम हीट होने देंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज के ऑनियन है, जिसको ला करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऑनियन को हम इसको फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन में, लाइट ब्राउन में हम इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम, इसको ऑनियन को हम। फ्रेंड्स अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे हम, इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। हमारे रेम सही में आपको भी ऐड कर देंगे हम, टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट ऐड कर देंगे, क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा सा कम, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, होम मेड का गरम मसाला थोड़ा सा एकदम। अब ऐड कर देंगे टमाटर, इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं टमाटर को भी। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम हरा धनिया भी। फ्रेंड्स हमारे टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ऐड कर देंगे पानी 1 कप, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसको अच्छे से हम खेमे को थोड़ी देर हम पका लेंगे, थोड़े से गलने देंगे हम खेमे को, ओके। कन से कवर भी कर देंगे। चलो हमारा खेमा भी अच्छे से हमारा भून लिए, अब हम ऐड कर देंगे हम सेवैयाँ। अच्छे से हम मिक्स करेंगे पहले इसको। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम पानी हाथ में लेते हैं, सिर्फ छिड़कना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है, छिड़कना है बस ऐसा। कर देंगे ग्रीन चिली को हम। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको ऐसे ही हम दम पे थोड़ी देर रख देते हैं, ओके, ढक्कन से कवर करके फ्लेम को लो करके, ओके। फ्रेंड्स हमारे सेवैया भी अच्छे से हमारे बन गए हैं, देखिए माशाल्लाह, देखिए अच्छे से बन गए हैं। अब हम डिश आउट करके बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कितने से अच्छे से बने ना, ट्राई करना आप लोग अभी, बहुत टेस्टी बन रहे हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे, ये है हमारा फाइनल लुक, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा बनाना, ये हमारा फाइनल लुक है ये। चलिए फ्रेंड्स ये है हमारा फाइनल लुक है ये, माशाल्लाह देखिए, ट्राई करना, स्किप नहीं करना, एंड तक देखना मेरा व्लॉग भी, ये रेसिपी भी, ओके। मेरे चैनल पे जो भी न्यू है ना सब्सक्राइब कर देना, ओके। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग न्यू रेसिपी के लेकर, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।